बच्चों, DSR पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 1 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। अध्याय चार जो शब्द है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसका प्रश्न उत्तर देखेंगे, क्या दिया है उसको हल करेंगे। दिए गए चित्र को देखकर सही शब्द लिखिए। यहाँ पर चित्र दिया है, उसको देखकर क्या करना है हम लोग को, सही शब्द लिखना है। ये किस चीज़ का चित्र है? रेलगाड़ी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? रेलगाड़ी। ये किस चीज़ का चित्र है? हाथी। यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग? हाथी। और ये किस चीज़ का चित्र है? टोपी। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? टोपी। ये किस चीज़ का चित्र है? लड़की। यहाँ पर हम लोग भरेंगे लड़की। ठीक है। फिर कह रहे हैं बिना मात्रा वाले तीन वर्णों वाले शब्द लिखने हैं। बिना मात्रा के तीन वर्णों वाले शब्द लिखने हैं, कौन कौन हो जाएगा लिखो। जैसे कमल, नमक, शहर, जौहर। ये बिना मात्रा के तीन वर्ण वाले शब्द हैं। फिर यहाँ पर दिया है सही शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर जो सही शब्द है उसको क्या करना है हम लोग को? गोला लगाना है। किस चीज़ का चित्र है? दिया है मलक, मकल, कमल। कौन सा सही है? किस चीज़ का चित्र है? कमल का। इसमें हम लोग कमल में घेरा लगाएंगे। ये किस चीज़ का चित्र है? लड़की का। लिखा है लड़की, लकीर, लड़की, ढल। ठीक है। तो ये किस चीज़ का चित्र है? लड़की। तो इसमें क्या करें हम लोग? लड़की में घेरा लगाएं। फिर यहाँ पर किस चीज़ का चित्र है? दरवाजा का। तो यहाँ पर हम लोग दर, यहाँ पर लिखा है वाजा दर, ये भी गलत है। दर वाजा, ये हम लोग का सही। इस पर घेरा लगाएंगे। ये क्या दिया है? दर जावा। तो हम लोग दरवाजा पर घेरा लगाएंगे। फिर यहाँ पर दिया है ईमानदारी। ईमानदारी शब्द में कौन कौन से वर्ण और कौन कौन सी मात्राएं आई है उसको हम लोग को खोजबीन करना है कि ईमानदारी शब्द में कौन कौन सा वर्ण, कौन कौन सी मात्राएं आई है, ये बताओ। तो वर्ण कौन कौन सा आया है? ई है, फिर म है, न है, द है और र है। ये सब क्या है? वर्ण है। और इसमें मात्रा का चीज़ का आया है? एक आ का मात्रा लगा है, आ आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा लगा है। बड़ी ई की मात्रा लगा है। आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा लगा है। ठीक है बाबू। तो ये जो शब्द है उसको अच्छे से फिर एक बार पढ़कर समझ लेना, और इसका जो इसके बारे में जो दिया प्रश्न उत्तर उसको भी हम हल करवा दिए। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 5 नाम वाले शब्द पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।